हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सपोज अ रेडियम 88226 न्यूक्लियस एट रेस्ट एंड इन ग्राउंड स्टेट अंडरगोज अल्फा डिके टू अ रेडॉन 86222 न्यूक्लियस इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड अल्फा पार्टिकल इज फाउंड टू बी 4.44 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडॉन 86222 न्यूक्लियस देन goes to its ground state by gamma decay. The energy of the emitted gamma photon in kilo electron volt. Given atomic mass of radium 88226 is equals to 226.005 U. Atomic mass of radon 86222 is equals to 222.00 U. Atomic mass of the particle is Z 4.000 U and 1 U equals to 931 million electron volt by C square, where C is the speed of light. So यहाँ पर हमारे पास जो key concept use होगा वो होगा हमारे पास mass defect. This is mass defect in nuclear decays, we can say. So यहाँ पर हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि हमारे पास रिएक्शन हो रही है रेडियम 226 कन्वर्ट्स इनटू रेडॉन 222 प्लस 1 अल्फा पार्टिकल। सो यहां से हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। मास डिफेक्ट होगा हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमको गिवन है 226.005 माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारे पास 222 प्लस 4। सो ये हो जाएगा हमारे पास 226.005 माइनस 222 माइनस 4। सो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा मास डिफेक्ट 0.005 amu या फिर u। सो यहाँ पर हमारे पास जो q वैल्यू आएगी, जो इसके करेस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? मास डिफेक्ट हमने डेल्टा m से रिप्रेजेंट किया तो वो हो जाएगा डेल्टा m c स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.005 इंटू 93.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4.655 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर हमको गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की है डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रेडॉन की जो होगी वो किसके इक्वल होगी? मास ऑफ रेडॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो यहाँ से वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ रेडॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। मास ऑफ रेडॉन है 222 इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमको गिवन है 4.4। सो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास 0.08 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी होगी हमारे पास गामा फोटोन की, गामा फोटोन की जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? वो होगी हमारे पास क्यू माइनस एनर्जी ऑफ रेडॉन प्लस एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली 4.655 माइनस एनर्जी ऑफ रेडॉन है हमारे पास 0.08 और एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है हमारे पास 4.44। सो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.135 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसको हम 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड एनर्जी जो पूछी गई है दैट विल बी इक्वल्स टू 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हियर 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।